स्मार्टफोन के बारे में सुनेंगे तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं अपने डेली लाइफ स्टोरी आप सभी के बीच शेयर करता हूं। और ट्विटर पर आप मुझे अपने टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे ट्वीट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी इस स्मार्टफोन को चीन में आयोजित एक इवेंट में लॉन्च किया गया है। अभी ये भारत में कब लॉन्च होगा अभी इसकी कोई सूचना मतलब हम सभी को नहीं मिली हुई है। दोस्तों अभी इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में जो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के सबसे पहला फीचर्स वो ये है। दोस्तों इस स्मार्टफोन को 3 कलर वेरिएंट में पेश किया गया। सबसे पहला है ब्लू, दूसरा है रेड और तीसरा है वाइट। मेरे अनुसार अगर जो मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, तो यह कलर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। मुझे वाइट कलर यानी वाइट कलर का जो स्मार्टफोन होता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। आपका सबसे फेवरेट कलर कौन सा है इन तीनों में से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सिम सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो इस स्मार्टफोन में आपको यानी Huawei Nova 4 में आपको डुअल सिम सपोर्ट मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और सभी स्मार्टफोनों में सिंगल सिम सपोर्ट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में जो कंपनी ने हालांकि इसमें दिया है और उसमें डुअल सिम सपोर्ट दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत 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 अच्छा है। तो बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जिसका एस्पेक्ट रेशियो 19:25:9 है। और बात करें इसके डिस्प्ले की जो मतलब इसका रिजोल्यूशन है डिस्प्ले का वो आपको 1080x2310 रेजुलेशन आपको इस स्मार्टफोन में यानी पिक्सल में आपको यह स्मार्टफोन मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की यानी Huawei Nova 4 के प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो इस स्मार्टफोन में आपको हाई सिलिकॉन क्री, ध्यान से सुनिएगा, हाई सिलिकॉन क्री 970 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और भी मतलब तमाम तरह के मतलब सभी कैटेगरी के प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन जो ये है काफ़ी अच्छा है और ये स्मार्टफोन को यानी इस मोबाइल को काफ़ी हद तक अच्छे पायदान पर लेकर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह प्रोसेसर सही और कंपनी ने जैसा प्रोसेसर दिया है उस हिसाब से ये खराब उतरेगा। दोस्तों इसके स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो इस स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम के साथ इंटरनल स्टोरेज जो दिया है 128GB दिया है। थोड़ा मुझे यही अच्छा नहीं लग रहा है कि जो कंपनी ने मतलब इंटरनल स्टोरेज मतलब बढ़ाने के लिए इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिया है, यही थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट आजकल के मतलब समय में 128GB लगभग बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें मतलब आप अपने स्मार्टफोन में मतलब मेरे हिसाब से अच्छा ही है। और आजकल के जो हिसाब से कहा जाए कि तो ज़्यादा इतना मतलब कोई डाटा अपने मतलब स्मार्टफोन में कोई रखना नहीं चाहता, और इस हिसाब से 128GB जो इसने इंटरनल स्टोरेज दिया है काफ़ी अच्छा है। यही थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इसमें इंटरनल स्टोरेज मतलब बढ़ाने का कोई सपोर्ट नहीं दिया है, जो कि अच्छा ही है। चलिए खैर, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे इसके कैमरे के बारे में कि इसके कैमरा फीचर्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों ये कैमरा फीचर इसके ये हैं। दोस्तों बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके फ्रंट साइड पर यानी जो फ्रंट साइड पे जो कैमरा होते हैं। तो दोस्तों यह दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है जो कि डिस्प्ले में ही, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्ले में ही 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि डिस्प्ले के अपर साइड में, डिस्प्ले के एकदम किनारे ऊपर साइड में होल है उसी में एक कैमरा फिट किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और काफ़ी शानदार भी लग रहा है, जो कि यह दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है। ये काफ़ी अच्छा है। और ये आपको क्या अच्छा लगा कि जो मतलब डिस्प्ले में जो कैमरा दिया है सेल्फी कैमरा, क्या आपको ये अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे देखूंगा और आपके कमेंट का भी रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों अब स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में बात करते हैं कि इसका एमएएच बैटरी कितना है, मतलब इसके पावर की बैटरी का पावर कितना है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3750 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि अच्छा ही है, लगभग कम अच्छा है लेकिन उतना तो नहीं कह सकता, बट लगभग कम से कम 4000 mAh की बैटरी होती तो मेरे हिसाब से अच्छा होता। बट अगर
3700 mAh की दी है तो अच्छा ही है। और अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, जरूर बताइएगा मुझे। तो इस स्मार्टफोन की अब प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन में जो अब 48 मेगापिक्सल वाला जो स्मार्टफोन है वो आपको 35,300 रुपये के लगभग मिलेगा। और ये कंपनी जो दावा कर रही है, ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं, कंपनी जो दावा कर रही है। और दोस्तों 20 मेगापिक्सल वाला जो स्मार्टफोन है वो आपको 32,300 रुपये के लगभग आसपास उसके आएगा। दोस्तों लगभग ये जो कंपैरिजन है वो इन दोनों का वो लगभग 3,000 तक का है, जो ये मेरे साथ जो मैंने देखा, इसको पढ़ा सुना। दोस्तों यही बात बार बार माइंड को बहुत ज़्यादा सोचने को मजबूर कर देती है कि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे जैसे कि इस स्मार्टफोन में लगा कि देखिए, इस स्मार्टफोन में आपको जैसे कि डिस्प्ले पर ही आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है, या मतलब डिस्प्ले के अपर साइड में होल है जहां पर आपको सेल्फी मिल रहा है, आप वहां से सेल्फी ले सकते हैं, जो काफ़ी शानदार लुक है और मुझे अच्छा भी लगा। और दोस्तों ये थी सारी बातें, और भी जो टेक से रिलेटेड जो नए नए अपडेट आए रहेंगे उसका मैं अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।